हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरा जो भी ज्वेलरी का कलेक्शन है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती हैं और जो मैं ऑनलाइन परचेज़ करती रहती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूंगी, मैं किस तरीके से अपनी चीज़ों को रखती हूँ ताकि वो सालों साल तक ख़राब नहीं होती, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो अभी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी इसके अलावा मैं कुछ नई ज्वेलरी मंगाऊंगी जो भी मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अब इस तरीके की चाहिए। आगे फेस्टिवल भी आने वाले हैं तो मैंने सोचा मैं अपनी सारी ज्वेलरी एक बार आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि मैंने सारी ऑनलाइन ही परचेज़ की हैं तो शायद आप लोगों को हेल्प मिल जाए उस परचेज़ करने में, आपको इस तरीके की कोई ज्वेलरी चाहिए हो तो। और बाकी चलिए देख लेते हैं कि इन सब बॉक्सेस आप देख सकते हो पीछे, इन सब में मैंने अपनी ज्वेलरी भर के रखी हुई है। बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है बट हाँ शायद आप लोगों के कुछ काम आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो इस तरीके के बॉक्सेस हैं जिसमें मैंने अपनी ज्वेलरी को रखा हुआ है। तो एक बॉक्स में मैंने इस तरीके से दो तीन ज्वेलरी रखी हैं, जैसे मैंने ये रखा है, इसमें ये रखा है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तीन से चार सेट मैंने ऐसे, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है ना कबर्ड में, और भी चीज़ें रखनी होती हैं, तो मैंने एक ही बॉक्स में सारी भर के रखी हुई हैं। आप देख सकते हो ये सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी कि किस में मैंने क्या रखा हुआ है। ये देख सकते हो आप गाइस, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। और अभी मैं देखूंगी कि मेरे पास कौन से कलर की है या कौन से कलर की मुझे और चाहिए, तो ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ये हम देखेंगे अभी कि सब में क्या क्या है। कुछ इधर इस वाले बॉक्स में बहुत सारी रखी हुई हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ इसमें हैं। तो इस तरीके के बॉक्सेस मैंने लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स मैंने लिए हैं जिनमें मैं सारी ज्वेलरी रखूँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी है, दिखता भी रहता है और एक ही काफ़ी बड़ा है ना, तो एक ही बॉक्स में काफ़ी सारी ज्वेलरी मेरी आ जाएंगी। तो मैंने इस तरीके से दो ज्वेलरी के लिए लिए हैं और दो मैंने बैंगल के लिए। गाइस यहाँ पर सब कुछ फैल चुका है, आप देख सकते हो इस तरीके के बॉक्स हैं मेरे पास, इनमें मैं रखने वाली हूँ। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपकी जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको आप एक बटर पेपर में ज़रूर रैप करके रखिए, उसके बाद आप किसी भी चीज़ में रख सकते हो। इस तरीके के बटर पेपर हैं मेरे पास मार्केट में, आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो मेरी सारी ज्वेलरी अभी भी सारी बटर पेपर में रैप है, बाकी मेरे पास कुछ और रखे भी हैं, ये देख सकते हो आप, जिस जो नहीं है उसको मैं बटर पेपर के अंदर रखूँगी। एंड मैंने कुछ इस तरीके के प्लास्टिक कवर भी लिए हैं, ये मैंने अमेज़ोन से मंगा रखे हैं, ये मैंने दो तीन साइज़ में मंगा रखे हैं। तो मैं पहले बटर पेपर में रख के और उसके बाद मैं इसमें इसको सिक्योर करके रखती हूँ, तो बिल्कुल भी ज्वेलरी ख़राब नहीं होती है। तो सबसे पहली ज्वेलरी है मेरी ये वाली, ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी गाइज, आप देख सकते हो। ये थोड़ा लॉन्ग नेक पीस है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है बट जो चोकर आते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सुंदर है ये, थोड़ा गोल्ड वाला लुक देता है। और ये कोई ब्रांड है मिंत्रा पे, रूबेंस करके, उससे मैंने लिया था और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हो अगर आपको इस तरह की कोई ज्वेलरी चाहिए तो आप लोग भी ले सकते हो। ये हैं इसके इयररिंग्स, आप देख सकते हो कितने सुंदर हैं, इसमें ग्रीन कलर के ना स्टोन लगे हुए हैं और नीचे छोटे छोटे पिंक कलर के हैं। तो ये सिल्क वगैरह की साड़ी पे बड़े सुंदर लगते हैं इस तरीके के नेक पीस। ये वाला नेक पीस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत सुंदर है, बहुत छोटू सा, बहुत ही क्यूट सा, इसमें ये ब्लू कलर के स्टोन है। सो ये भी मैंने शायद मिंत्रा से ही लिया था। तो जो भी ये नेक पीसेज हैं, वैसे सबकी जो डिटेल है वो मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ डाल रखी हैं, हॉल मिंत्रा हॉल मीशो हॉल, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं ज़्यादा आपको अगर डिटेल जाननी है किसी की। फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। तो ये भी बहुत सुंदर है, इसकी भी पॉलिश ना आज तक भी ख़राब नहीं हुई है कहीं से भी, बिल्कुल आज भी ऐसा लगता है जैसे न्यू आया हो। सो ये वाला भी मैं ऐसे ही रखूँगी, ये भी मैंने शायद मिंत्रा से ही लिया था, इसका ब्रांड तो, क्योंकि बॉक्सेस वगैरह ना मैंने फेंक दिए हैं तो इस वजह से ब्रांड वगैरह तो मुझे जिसका याद होगा मैं आपको बता दूँगी। ये इसके क्यूट से इयररिंग्स हैं गाइस, देख, एक लॉन्ग नेक पीस है और ये पर्ल वाला है, जैसे रानी हार टाइप जो चलते हैं ना वो इस तरीके का, इसके साथ एक चोकर पहन लो तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये इस तरीके से ना इसमें ये स्टोन वगैरह लगे हुए हैं और ये पूरा अच्छे से डिटेलिंग इसकी दी हुई है, गोल्डन एंड पर्ल का काम है, ये भी बहुत सुंदर है। ये मुझे शायद मैंने नाइका से लिया था एक बार। और ये इसके सुंदर से इयररिंग्स हैं, अलग से भी पहन सकते हैं सूट वगैरह पे ना डालने के लिए, बहुत सुंदर लगता है। गाइस नेक्स्ट हैं ये कुछ चोकर जो मैंने मीशो से ख़रीदे थे, और अगर आपको इनकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप मेरे मीशो हॉल देख लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे। ये कुछ चोकर हैं मीशो के, दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं। एक ये है रेड वाला, इयररिंग्स हैं, है ये ग्रीन वाला, ये सेम ही है दोनों, रेड और ग्रीन, शायद मैंने कॉम्बो में लिए थे,
ग्रीन कलर का चोकर है, बहुत क्यूट है ये, कुंदन में और पर्ल में है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो कितना शाइन कर रहा है ना। ये भी गाइज मीशो का है, ये कुंदन वाला सेट है, पूरा चोकर वाला सेट है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये दोनों रिवर्सेबल है, आप दोनों साइड से इसको पहन सकते हो। तो गाइज ये इस तरीके के इसके इयररिंग्स हैं। नेक्स्ट ये बहुत ही प्यारा चोकर सेट है, इसमें पूरा कुंदन का और पर्ल का काम है, बीच में बीड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। इसके इयररिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, ये देख सकते हो आप इसके इयररिंग्स। पहले ना मैं आपको सारे अपने जो मेरे नेक पीसेज हैं, चोकर वगैरह हैं, वो सब दिखा देती हूँ, उसके बाद इयररिंग्स वगैरह देखते हैं। तो गाइज़ ये भी मैंने मीशो से लिया था, बहुत ही प्यारा, ये ट्रिपल लेयर में है और एकदम भरा भरा सा, कुछ हैवी पहनने का मन हो ना तो ये पहनो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके जो कुंदन है ना, ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। सो ये हैं इसके इयररिंग्स। रेड और ग्रीन तो ऐसे कलर हैं जो हमेशा सब पे ही जल जाते हैं गाइज, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा। इसमें ये एडी के स्टोन लगे हुए हैं, बीच में एक पूरा अच्छे से रूबी वाला पर्ल है, एंड साइड में ये पर्ल भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके थोड़े से इयररिंग्स जो है ना वो कुछ छोटे हैं। नेक्स्ट है ये बहुत ही प्यारा सा चोकर सेट, ये भी पहन के एकदम भरा भरा सा लगता है गला, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये एक बार मैंने करवा चौथ पे पहना था। उसके अलावा गाइज एक और मेरे पास ये चोकर सेट है, जो कि मैंने ऑफलाइन लिया था, ये ऑनलाइन नहीं है। और ये पर्ल जो है ये पीच कलर में है और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद ये वाला। ये झुमके हैं एंड इसके साथ बहुत ही क्यूट सा टीका भी आपको मिल जाता है। सो गाइज एक ये वाला सेट है, इसके साथ टीका है और इयररिंग्स वगैरह भी, सब ज्वेलरी है जिसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो गाइज़ ये कुछ शीश फूल जो माथा पट्टी वगैरह होती है ना, काफ़ी ट्रेंडिंग है, ये है मेरे पास। एक ये वाली है, एक ये वाली मंगवाई थी मैंने अपने हॉल वीडियो में दिखाई थी। इसमें टीका भी है साथ में और साइड में जो लगता है ऊपर, ये इस तरीके से है। ये झुमके हैं मेरे पास ग्रीन कलर के, ये भी अच्छे लगते हैं बहुत। इस टाइप के तो आई थिंक सबके पास ही होते हैं। इसमें ये वाले ब्रेसलेट हैं एक्सपीडाइज, ये सब मैंने दिखा रखे हैं अपनी हॉल वीडियो के अंदर। इस तरीके के इयररिंग्स हैं, एक बार बहुत ज़्यादा चलते थे, इसमें मिरर लगे हुए हैं। ये वाली झुमके एक बार बहुत ज़्यादा चले थे, मैंने तब लिए थे। ये इस टाइप का है गाइस, इस तरीके से लॉन्ग, इसमें पूरी लॉन्ग चैन दी हुई है और इस तरीके से नीचे पूरा ये पेंडेंट है। तो गाइस ये वाला है एक, ये आप देख सकते हो भी लॉन्ग में है, भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप सिल्क वगैरह की साड़ी पहनते हैं ना तो उस पर बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा कुछ ये इस तरीके के ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट्स हैं, एक ये गोल्डन वाला है, इसमें ये कलरफुल बीड्स लगे हुए हैं, कलरफुल झुमके हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं ये वाले भी। एक और नेक पीस है जो कि थोड़ा सा वेस्टर्न वियर है, ये इस टाइप से पहना जाता है गाइज, ये भी ऑक्सीडाइज है, ये ब्लैक वाला जो मेटल होता है उसमें है, ऑक्सीडाइज झुमके हैं। ये भी मैंने मीशो से मंगाए थे, बट इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह पे पहनने के लिए हैं। उसके अलावा गाइज़ यहाँ पर मेरे कुछ इसमें इयररिंग्स वगैरह हैं, जो कि आज हम इधर रखेंगे तो ये वाला बॉक्स फेंक देंगे, कुछ यहाँ पर भी रखे हैं। तो पहले इसमें दिखाती हूँ मैं, सो आप देख सकते हैं ये मैंने मीशो से मंगाए थे, इसमें रेड कलर में है, ये काफ़ी सारे कलर में अवेलेबल थे। ये वाले झुमके हैं गोल्डन कलर में, तो ना इस वाले बॉक्स में काफ़ी सारे इयररिंग्स हैं, आप देख सकते हो भरा पड़ा है ये, बट जो ज़्यादा सुंदर सुंदर है ना मैं आपको वही दिखाती हूँ। तो ये वाले बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, 7-8 साल इनके हो गए होंगे, ये भी बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मैंने मीशो से मंगाए थे एक बार। ये सबसे पहली जो परचेजिंग थी मेरी मीशो से, वो यही मैंने मंगाए थे। मुझे लगता था कि शायद मीशो से इतनी अच्छी क्वालिटी ना आए, पता नहीं इतने सस्ते देते हैं कैसे देते हैं, बट जब मैंने ये मंगाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। गाइज़ ये देख सकते हो आप, ये भी गोल्डन में है, कलर के पर्ल लगे हुए हैं और छोटी सी झुमकी है नीचे, तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। एक बार ना ये बहुत ज़्यादा फैशन में आए थे, मोटे मोटे जो पर्ल वाली जो मालाएं होती हैं उसमें पेंडेंट नीचे, तो ये मैंने लिया था। गाइस ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो वेस्टलेट होती है ना, कमरबंद होती है लहंगे वगैरह पे बांधने के लिए, तो ये वो है। सो गाइस ये वाले जो इयररिंग्स आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी एंगेजमेंट में पहने थे, तभी मैंने लिए थे, और शायद ये फ़ोन में इतने अच्छे नहीं दिखेंगे आपको जितने कि ये रियल में हैं। इनकी शाइन बहुत ज़्यादा है और इनके साथ टीका भी आया था, और टीके के ना एक दो कुंदन निकल गए, देख सकते हो आप। ये ना मुझसे गिर गया था, 2-3 बार गिर चुका है, तो इसके जो ये कुंदन है निकल जाते हैं। उसके अलावा गाइज अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, ये है मेरी शादी की जो मैंने कमरबंद लगाई थी अपने लहंगे के साथ, तो वो है ये, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसको मैंने इतने अच्छे से रखा हुआ है ना कि ये आज भी एकदम नई लगती है, आप देख सकते हो। इस तरीके से इसमें ये डिज़ाइनिंग है
और इस तरीके से ये हैंगिंग लगी हुई है, बहुत ही प्यारी लगी थी ये। गाइज़ ये भी ना ऐसे जो कमर पे लगाई जाती है, साड़ी वगैरह में भी इसको लगा लेते हैं, सिंगल लेयर में होती है, इसमें स्टोन लगे हुए हैं देख सकते हो, इसमें दो लेयर दी हुई हैं, ये भी पूरी इस तरीके से है। इसके अलावा इसमें कुछ ब्रेसलेट्स हैं, एक ये है, ये भी काफ़ी पुराना है मेरा, कुछ ब्रेसलेट्स इसके अंदर भी रखे हुए हैं, कुछ शायद और भी कहीं रखे हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, दो तीन और रखे हुए हैं। और ना गाइस कुछ ज्वेलरी और है मेरे पास इनके अलावा, जो कि थोड़ी सी और एक्सपेंसिव हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, वो मैंने अलग रखी हुई हैं, तो उनको नहीं मैं सब के साथ रखूँगी, वो अलग रखी हैं, उनका वीडियो किसी और दिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बाकी फ़िलहाल यही सब चीज़ें हैं, तो अब फटाफट से इनको ऑर्गेनाइज़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने सारा सॉर्ट कर दिया अपना, इसमें मैंने सारे इयररिंग्स इसमें मैंने सारे अपने नेक पीसेस रखे हैं जो भी हैं, आप देख सकते हो, कुछ मैंने बटर पेपर में रखे हैं, कुछ मैंने ऐसे ही प्लास्टिक कवर में रख दिए हैं ताकि वो विजिबल हो और मुझे पहनने हो तो मैं तुरंत देख के पहन सकूँ, तो इसमें सारे आ गए हैं। बाकी एक दो जो बॉक्स में थे वो मैंने नहीं निकाले, वो मैंने बॉक्स के अंदर ही रखे हुए हैं। इधर कुछ मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो थी वो मैंने इधर रखी हुई है, इनको मैं इस वाले जो बॉक्स है इसमें शिफ्ट कर दूँगी। इसमें कुछ बॉक्सेस में और कुछ रैंडम चीज़ें मैंने रख दी, जैसे मैंने ये ब्रेसलेट्स वगैरह रख दी अपने, एंड ये एक रिंग मैं आपको दिखाना भूल गई थी, एक्चुअली ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं रखने वाली हूँ, एंड इसमें अभी सारे इयररिंग्स रखे हैं मैंने, अभी इस फिर से इसी में रखी। सो गाइज़ यही था मेरा जो भी थोड़ा बहुत कलेक्शन था ज्वेलरी का, बाकी मैं हॉल वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ, मैं अपनी जो ज्वेलरी कलेक्शन में और ज्वेलरी ऐड करने वाली हूँ। अब मैं कुछ नए डिज़ाइंस मंगाऊंगी क्योंकि ये मुझे लगता है काफ़ी पुराने हो गए हैं और सारे मैं पहन चुकी हूँ, तो अब इनको तो मैं पहनने वाली ज़्यादा मतलब वीडियोज़ वगैरह मैं पहन लिया करूँगी, बट अभी फेस्टिवल आने वाले हैं तो उनके लिए मैं और न्यू ज्वेलरी मंगाऊंगी नए डिज़ाइन की, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी मैं अभी थोड़े दिन बाद, अभी दो चार दिन बाद ही मैं आप लोगों को अपना बैंगल का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, मैंने क्या क्या नई बैंगल्स ऐड करी है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, और बाकी उसको भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे इसी तरीके से, तो वो भी जल्दी वीडियो आएगी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, एंड ऐसी और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।